और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों को जानने का। अमेरिका में ज्यादा पानी पीने से एक महिला की हुई मौत। डिहाइड्रेशन के बाद 20 मिनट में 2 लीटर पानी पीने से वाटर टॉक्सिसिटी की हुई शिकार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में टमाटर की चोरी रोकने के लिए किसान ने खेत में लगवाए सीसीटीवी कैमरे। खेतों से चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद अलर्ट हुए किसान। एमपी के शाहजापुर में भ्रष्टाचार से परेशान नर्स ने मुंडन करवाकर विरोध जाहिर किया। नर्स ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया रिश्वतखोरी का आरोप। एमपी के अशोकनगर की एक पंचायत का अजीबोगरीब फरमान। गांव में गैर हिंदू व्यापारियों की एंट्री पर लगाया गया है रोक। पोस्टर लगाकर जारी की गई है सूचना। उत्तराखंड के केदारनाथ में डोली गुजरने के दौरान हुआ हादसा। गेट से टूटकर श्रद्धालु के सिर पर गिरी घंटी। घटना के बाद मंदिर प्रशासन से नाराज हैं श्रद्धालु। एमपी के इंदौर में दवाइयों से सजा हनुमान जी का दरबार। डॉक्टर के स्वरूप में किया गया अलीजा सरकार का श्रृंगार। 25 लाख रुपए की सिर्फ टैबलेट से सजा मंदिर परिसर। एमपी के ग्वालियर की इंटरनेशनल रेसलर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पूर्व ब्रांड एम्बेसडर रानी राणा हुई दहेज प्रताड़ना की शिकार। ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज की FIR। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति हुई बदहाल। लावारिस मरीजों के इलाज के लिए खोला गया था 8 बेड का नया वार्ड, लेकिन हर वार्ड में फैला है गंदगी का अंबार। पटना में सीसीटीवी में कैद हुआ रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने सड़क के किनारे खड़ी बाइक्स को रौंदा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। शराब के नशे में कृषि अधिकारी का बेटा चला रहा था गाड़ी। यूपी के आगरा में चंबल नहर में गिरी गाय। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर किया रेस्क्यू। नोएडा में प्राइवेट कंपनी की महिला कर्मचारी की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने लगाए रेप के बाद हत्या के आरोप। शव रखकर किया चक्का जाम। राजस्थान के झालावाड़ में 2-2 घर जला। मनिहारी का दुकान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मना आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। निकाली गई तिरंगा यात्रा। सैकड़ों स्कूली छात्र हुए शामिल। जम्मू के उधमपुर में एक मकान में लगी भीषण आग। पूरा मकान जलकर खाक। राहत और बचाव दल ने बरामद की लाशें। आग में झुलसने से एक भैंस की भी मौत। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में आग का तांडव। प्लाईवुड की दुकान में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बना। दमकल विभाग के लोग आग बुझाने में जुटे। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरें। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम भगोड़ा घोषित। पुलिस ने मुनादी कर मकान पर लगाया कुर्की का नोटिस। 5 लाख का फरार इनामी है गुड्डू मुस्लिम। यूपी विधानसभा के बाहर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। बागपत से आई महिला को रोकने में सफल रहे सुरक्षाकर्मी। पुलिस की सक्रियता के चलते जान बची। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एल्विश आर्मी का हुड़दंग। बीच हाईवे पर सरेआम जमकर स्टंटबाजी की। आरोपी लड़के बिग बॉस एल्विश यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। एमपी के मुरैना में टोल कर्मी से भिड़े स्थानीय वाहन चालक। टोल टैक्स चुकाने को लेकर पहले ही दिन हुए झगड़े। गांव वालों ने जताया नया टोल बनाने का विरोध। स्वास्थ्य विभाग के पूर्व कर्मचारी पर लोकायुक्त टीम का शिकंजा। भोपाल विदिशा में एक साथ छापेमारी जारी। करोड़ों की अवैध संपत्ति का हो सकता है खुलासा। आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर पर BSF को बड़ी कामयाबी। श्रीकाकुलम के पास जब्त किया गया माओवादी डंप विस्फोटक बरामद। राजस्थान के बूंदी में लगातार हो रही फायरिंग से दहशत। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भी गोलीबारी। मुठभेड़ में दबोचे गए आरोपी। अवैध हथियार जब्त। एमपी के रीवा में नाबालिग लड़कियों से गैंग रेप। 25 दिन बाद वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। चचेरे भाई समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 2 फरार। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने नाबालिग छात्रा को मारी गोली। गंभीर हालत में पीड़िता को भेजा गया अस्पताल। कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी पर नोएडा पुलिस ने कसा शिकंजा। मयूर विहार में 5 करोड़ की संपत्ति कुर्की। अवैध कोठी किया गया सील। दिल्ली में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। साइबर सेल की टीम ने धोखाधड़ी गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम में हिंसा फैलाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन, धार्मिक स्थलों को आग के हवाले करने के आरोप में 3 लड़के गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में सेना के जवान की गोली मारकर हत्या, 16 जून को पिता की भी गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी घटना में गवाही देने छुट्टी पर आया था युवक। पंजाब के भटिंडा में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, दबोचे गए 3 तस्कर, आरोपियों के पास से 4 किलो हेरोइन बरामद। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, दुबई से पहुंचे 2 यात्रियों के पास से 94 लाख का सोना जब्त हुआ, आरोपी भी गिरफ्तार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।